नारायणं नमस्कृत्यं नरोचैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं राधे गोविंदम श्री राधे गोविंदम श्री राधे गोविंदम श्री राधे गोविंदम राधे गोविंदम श्री राधे गोविंदम श्री राधे गोविंदम श्री राधे गोविंदम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भक्त बंधु श्री परम करुण का आराध्य ठाकुर केशव चंद्र गुरुदेव बाबा बैकुंठनाथ एवं मंचुप मान रत्न सिंहासन पर विराजित चतुर्धा मूर्ति श्रीपाद पद्म दंडवत निवेदन जनाऊँ एवं गत पर्यायर आम आलोचना करुले भक्त अंबरीश एवं तांकरी पाद पद्म दंडवत निवेदन जनाऊँ जो सीधे महान भक्त एवं महान राजा आम आलोचना करुले दुर्वासा ऋषि जमुना नदी को जाऊँगी आसीना एवं से दिन थाए पुणी एकादशी राजा निष्ठार सहित एकादशी व्रत को से पालन करुथांती कारण जो दिन दुर्वासा आसिले से दिन थाए एकादशी एवं राजा बहुत निर्जला एकादशी करुछंती पूरा उपवास रुचन जल अन्न किसी स्पर्श करुनांती कारण ए एकादशी रो महात्म्य कौन ना एकादशी कहले एगारटा इंद्रिय आमर पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय बाक पाद पाणी पायु उपस्थ चर्म चक्षु जिह्वा नासा कर्ण आ गोटे मन एगार प्रकार इंद्रिय को निज आयत्रे रखा है एकादशी पुराण मान भर गोटे पुराण जो पुराण ना होती भविष्य पुराण से भविष्य पुराण अति सुंदर भाव कहते एकादशी महिमा कौन ए सती परा पुण्या विष्णु ऋषस्य तुष्टि तुष्टिदा तस्यामेव जगन्नाथ अमृत मूर्तिमान स्थित जदि आम एकादशी करवा एकादशी कले भगवान प्रकट हमती एवं जो माने ए एकादशी विषय शुणती श्रवण करती से माने करितिबा भूल कारण मनुष्य मात्र की भूल आम अजानत हो जानत हो भूल करती जो माने ए एकादशी विषय भगवान कथा को शुणती से समस्त पापर सब पाप ख्यालन हो तो अंबरीश निर्जला एकादशी मान निर्जला एकादशी करुले आसिले दुर्वासा ऋषि द्वादशी तिथि आसिक पहुँचले जो द्वादशी तिथि आसी पहुँचले यही समय जमुना नदी को स्नान करने गले आसवा टी विलंब हो जीवर धीरे धीरे द्वादशी पारणा समय गड़ी गड़ी चलुची ऋषि न खाइला पर्यंत से खाइबे ऋषि तो एपर्तंत आसुना कौन करे ये समय जाए पहुँचले किसी ब्राह्मण आ विशेष रूप से श्रेष्ठ ना होती वशिष्ठ जिकि दशरथ महाराज कुलगुरु वशिष्ठ महाराज निकट में पहुँचले वशिष्ठ महाराज आशीर्वाद रु वशिष्ठ महाराज कहले गोटे काम कर जदि आम जदि तुम्हें भगवान चरणामृत जल को पान कर तुम पारणा द्वादश पारणा तुम्हें हो राजा से ही काम कले एवं जोतु ऋषि दुर्वासा त्रिकाण दर्शी थे सब कथा सी जापार दुर्वासा ऋषि कथा को जापार आसी पहुँचले सांगे सांगे क्रोधर भस्मीभूत कले बहुत जोर क्रोध कले एत जोर से क्रोध कले कारण क्रोध मनीष आ मृत व्यक्ति मध्य कौन सी पार्थक्य न थाए गोटे क्रोध करुवा व्यक्ति आ गोटे मला शबटे गोटे क्रोध करुवा व्यक्ति जहाँ गोटे मला शबटे ठीक ता
से परम कारण को गुरुदेव बाबा बैकुंठनाथ तांकर सरल गीतामृत लहरी रे कहले काम कदल भतिनी नरकर बाट प्रभु नरकर बाट कृष्ण चिंता करी हा बेगे कर नष्ट बाबू बेगे कर नष्ट बोल भक्त वस्तु भगवान की जय। तो काम क्रोध लोभ तीनि नर कर बाट कृष्ण चिंता करी एहा बेगे कर नष्ट। तो काम क्रोध लोभ याकु काटि दियो केमिति काटिबो ना जदि कृष्ण कर चिंता कृष्ण कर स्मरण करिवो ताले ताहा आपे आपे कटि जीवो। ए समय दुर्वास ऋषि क्रोध कले एवं तांकर जो जोटा थिला ए जोटा ऋषि गोटे केश को छोड़ेला बेलकु गोटे कृत्या सृष्टि हला। आउ जो कृत्या ऋषिंकर आज्ञा ने राजा अम्बरीश को दंड दे राजा मध्य अनुताप करते ना यहाँ मुझे बड़ भूल कारण भूल करवा आम पूर्व अध्याय आपण मानक आज अध्याय कहचु भूल करवा पाप करवा कि प्रायश्चित करवा ना भूल मानवा ना तो भगवान आम पर असंतुष्ट हे भूल करके मानि जावा तो भगवान सन्तुष्ट होजे अनुताप कर समय भगवान को प्रार्थना कले कारण जी भगवान को टे प्रार्थना कर दिए विपदर थाउ संपदर थाउ जे भगवान को टिके ध्यान स्तुति स्तव कर दिए भगवान ता प्रति आशीर्वाद ता प्रति कृपा करते कारण स्वजन नयनु स्वच्छ नीर डाली चरण जुगल देवी मु पखाली प्रकृति को धूप बती करी जाली बोली विभक्ति चंदन। बाबा बैकुंठनाथ करी होचंती गोटे भजन कौन से भजन टी स्वजन नयनु स्वच्छ नीर ढाली चरण जुगल देवी मु पखाली प्रकृति को धूप पति करी जाली प्रकृति को धूप पति करी जाली बोली विभक्ति चंदन मुकुला रखी मन मंदिर मुकुला रखी आस आस भगवान आस आस भगवान बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भक्त अम्बरीश प्रार्थना करुची स्वजन नयनु स्वच्छ नीर ढाली चरण जुगल देवी मु पखाली प्रकृति को धूप बती करी जाली बोलीबु भक्ति चंदन प्रभु मन मंदिर मो मुकुला रखी आस आस भगवान ए मन मंदिर को मो मुक्त कर रखी आपणा से मंदिर भितर विराजमान करी मते कृपा करुणा आशीर्वाद को प्रदानित करंतु। भगवान एमिति कृपा भगवान एमिति करुणा कले भगवान एमिति प्रार्थना कले जे भगवान आ बैकुंठ रे रही पारले नाही। भक्त भगवान को डाकिबे आ भगवान आ कोनो बैकुंठ रे रही पारिबे नै खिलब्धः अमृतं भवतिं तृप्तं भवति बोली नारद भक्ति सूत्र रे नारद माने भगवान नारायण नारद को कहचंती नारद भक्ति सूत्र भक्ति पैबर सूत्र को नारद को ज्ञान दोचंती खिलब्धः पुमान भवति अमृतं भवति तृप्तं भवति अर्थ जो माने भक्ति करती भक्ति भजन करती भगवान को हाथ टिके टेकी दिए भगवान को डाकी दिंती केमिति डाकती हे नूतनाम्बो धर चार मूर्ति हे कुंती पंच तनया बहंती हे विप्रदाम दर मुक्ति दाता निराश्रय मां जगदीश्वर निराशय मा जगदीश रक्षम निराशय मा जगदीश रक्षम निराशय मा जगदीश रक्षम निराशय मा जगदीश रक्षम निराशय मा जगदीश
रक्षम निराशयं मा जगदीश रक्षम। बोल जगदीश भगवान की जय। दुई हाथ टेके देले निराशयं मा जगदीश रक्षम सुरक्ष अर्थ पूर्ण समर्पित भाव रे राजा अम्बरीश भगवान को डाकिले। जेतेबेले समर्पित ए भगवान को डाकिले भगवान ए समय सुदर्शन चक्र को पठेले। सुदर्शन चक्र से कृत्या पछरे गोड़ेले जहाँफल कि सुदर्शन चक्र से कृत्या को भस्म करदे। दुर्वासा पछरे से सुदर्शन चक्र जोरे खाली घूरी बुलवा लगे जोरे घूरी बुलिले। चक्र दुर्वासा को पछे पछे गोड़ाइले। दुर्वासा सब अंचल गले पृथ्वी सारा सब तीर्थ गले कि कौटे टे आश्रय नहीं पारे ना। पुणी गले कौटे कि नमस्ते जगता धार शंख चक्र गदाधरम जन्ना पंकज देवा जात हम सृष्टिकृत श्री विश्व सृष्टिकृत जै सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को निकट में पहुँचले। ब्रह्मा कहले मु कौन तुमको आश्रय देवी केबे दे पारिबी नाही। आरे जोडी तमे एते बड़ भूल काम करिचो एते बड़ पाप काम करिचो मु मध्ये आश्रय देबिनी। जे पहुँचले संघारकर्ता महेश्वर को निकट रे शिव को निकट रे शंकर भगवान को निकट रे। कारण शंकर तांको ना हुचे आशुतोष अर्थ अल्पके तोष अल्पके संतुष्ट सेतिपाई तांको ना हुचे आशुतोष जे कि सत्य शिव सुंदर से शंकर भगवान तांको निकट रे पहुँचले। कारण आम भारतीय संस्कृति रे जदि आम विशेष करी ओडिशार आराध्य महाप्रभु श्री जगतर से खाली ओडिशार नुहे जगतर आराध्य जगन्नाथ। यदि आम महाप्रभु जगन्नाथ को संस्कृति को जीवाना ताहले जगन्नाथ मंदिर शंकर भगवान को मुख्यतः बहुत भूमिका अच्छी। आप देखिए पूरी मंदिर को गले शंकर भगवान निज अंगर आठ जन देवता को सृष्टि कर मानने मंदिर को सुरक्षा प्रदान करके गोपालमोचन जमेश्वर क्षेत्रपा क्षेत्रपा मार्कंडेश बटेश्वर विशेश्वर एभली भाव निज अंगर से आठ जन देवता को सृष्टि कले एवं पांच जन महादेव को सृष्टि कर सारे आठ जन महादेव को अष्ट महादेव को सृष्टि कर सारे आठ प्रकार महादेव ये पुरुषोत्तम क्षेत्र को बा ये श्रीमंदिर को सुरक्षा प्रदान से कले। ताले देखो शंकर भगवान ये पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रति बहुत अवदान अच्छे एवं महाप्रभु जगन्नाथ जो रोषशाला को आम समस्ते देखुचे एवं ये रोषशाला निकट तथा महाप्रभु जगन्नाथ अग्निकोण से जन महादेव अच्छा आ से महादेव ना होती अग्निश्वर महादेव से मैं विराजमान कर सहित बहुत महादेव शंकर भगवान से निजे पातालपुटे लिंग आपने देखिए के मान से निजे विराजमान करी मंदिर को सुरक्षित प्रदान कर सुरक्षा प्रदान कर शंकर भगवान। शंकर भगवान अल्पके तोष आल्पके से सन्तुष्ट हो जाती भक्त प्रति से दुर्वासा पहुँचे शंकर निकट शंकर कहे सुरक्षा देवी देखिए तुम मत कथी कौन कह। दुर्वासा कहे एमती में सब कथा प्रभु। शंकर कहे ना सुरक्षा दे पारि ना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्त पाखे गले कौटी आश्रय नहीं पारे ना। शेष पहुँचले परमात्मा भगवान निकट भगवान निकट पहुँचीगले। परमात्मा निकट पहुँची जा भगवान को दर्शन एवं दर्शन कर पाद पद्म को प्रणति नवेदन जनाऊंट हे प्रभु मोर आ कि भरोसा ना केवल आपण पाद पद्म को ही भरोसा करश्वास करता को जड़े भक्त तार भाव को से नवेदन करगवान निकटने कौन कौच तुम्भ पाद पवन बुझी पाद पद्म न बुझी विषय रे अच्छी जे मजी बंची थाउ थाउ से मरी सारी छी। 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 दुर्लभ जन्म तार असार स्वर्ण क्षेत्र सुना ठाकुर पढ़ाई दे पद्म पयर स्वर्ण क्षेत्र सुना ठाकुर बोल
बोले भक्त वत्सल भगवान की तो भक्त एटी भगवान को पाखरे कोन भाव निवेदन करूची ना तुम भो पाद पद्म न बुझी विषयारे जे अच्छी मजी आपण को पाद पद्म को न बुझी न स्तुति करी न स्तव करी कोन करची जीव अति बड़ी श्री जगन्नाथ भागवत रे कहउचंती कौन कहउचंती विषया जहार लोचन हराए आत्मबुद्धि ज्ञान गोविंद 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 मधु गलुचि मकर बोल भक्त वत्सल भगवान की तो जिते बड़े आम समस्त विषय भितर रहिले विषयारे जे अच्छी मजी ए विषय भितर आम समस्त मजिकिरी अच्छे ये सिना देहटा मोर अच्छी बंची थाउ थाउ से मरी सारी खाली ता देहटा अच्छी बोली से बंची चलले से आउ ता जीवन नाही मरी जाई दुर्लभ जन्म तार असार कारण ए मनुष्य देह दुर्लभ बोले आम के शास्त्र मानक शुणीचे कहीं मनुष्य देह को दुर्लभ कहा जाए कहीं तार कारण कौन ना शास्त्र दृष्टिकोण रु मनुष्य देह तीन टा कारण दुर्लभ कौन कौन ना दुर्लभ त्रय तद देवानुग्रह महतुकम मनुष्य मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय मनुष्यत्व मुमुक्षत्व आ महापुरुष संस्कार को ये जीव जाए बोले संस्पर्श आसे बोली य मनुष्य देह हूँ दुर्लभ तो जो मैंने ये पाद पद्म को भरोसा करती ना से दुर्लभ जन्म असार अपार माने असार बेकार ही जाए तो से दुर्वसा जाए कहले आ मोर कि विश्वास भरोसा ना केवल आपण पाद पद्म ही मोर भरोसा मोर विश्वास से आपण पाद पद्म को ध्यान करुच्ची आपण पाद पद्म को स्तुति स्तव प्रार्थना करुच्चे भगवान कहले ना मु भी तेज सुरक्षा देवी आश्रय देवी कहीं प्रभु देवेनी मुझे भक्त पराधीन मो तो हूँ भक्त नुहे भिन्न मुझे भक्त पराधीन मुझे भक्त पराधीन आ मोट भक्त भिन्न नुहे मो तो हूँ भक्त नुहे मो ठार मो भक्त भिन्न नुहे मो ठार मो भक्त अलग नुहे ए संसार भितर मुंदिकी अच्छी एक जड़े मत बांधि पारती कि सी ना मो भक्त ही मत केवल बांधि पारती संसार अच्छी मुँह छंदे मो भक्त पारे मत बांधि भगवान मध्य निज कंठरे कहिले अहं भक्त पराधीन जगत रे समस्ते मोर अधीन किंतु मु जणकर अधीन कार अधीन ना मु केवल से भक्तंकर अधीन तो मत मु भक्त नुहे भिन्न मुझे भक्त पराधीन तो भक्त पाई मोर वैकुंठर ए मंदिर द्वार सब खोला जिते बड़े भक्त आसब से मुताई भगवान हीजी एवं मत दर्शन करी ता जन्मजीवन को से कृतार्थ मन कर दुर्वासा एक कथा शुनी दुखर जाए पहुँचले अम्बरीश निकट में अम्बरीश को क्षमा मागिले हे अम्बरीश तुम्हें जन एडे बड़ भक्त मुझे विश्वास करी जा हो आज मुझे जान ली एमित भक्त को मुझे दर्शन कली कारण भक्त को दर्शन कले ही भगवान भक्त को दर्शन करदे ही आम को पुण्य मिल जाए दुर्वास कहले मुमितिया निष्ठापुर भक्त के देख नी तो ये अम्बरीश हूँ सबुठ जन श्रेष्ठ भक्त एवं दुर्वास जाते पहुँचले अम्बरीश कहे ना आज्ञा सब मुझ भूल करे मो भूल अनुताप करुच्चे क्षमा मगुच्छी आपण निकट में परस्पर परस्पर को क्षमा मागवा हेले दुर्वासा द्वादशी दिन दस हजार शिष्य को नहीं प्रसाद भोजन कले अति सुंदर भाव सत्कार कले कारण अतिथि देव भव आमे अतिथि मानक देवता मानक सत्कार करवा अतिथि देव भव तो ठीक सेमती यकर परस्पर परस्पर सहित संजोग है समस्ते समस्त को सुव्यवहार देखले एवं यू बहुत सत्कार कर चर्चा करके दुर्वास ऋषि बहुत आशीर्वाद कले कारण ये मुनि ऋषि साधु संथ यदि यमान आशीर्वाद हो जाए ना दियो दर्शन काष्ठ की पासाण गंगा दर सन पानी ग
गंगाधर सन पानी साधु दर्शन मुख दीप सार साधु दर्शन मुख दीप सार सुख को मुख बखानी सुख को मुख बखानी प्रभु मुख को सुख बखानी बोल भक्त वत्सल भगवान की तो दियो दर्शन काष्ठ की पाषाण गंगा दर्शन पानी साधु दर्शन मुक्ति पसरा मुख को सुख बखाणी तो जाऊ आज मु साधु दर्शन कली आ साधु का आशीर्वाद लाभ कली राजा अम्बरीश कृतार्थ मन कले एवं भक्तंकर दिव्य कृपा भक्तंकर दिव्य करुणा लाभ हला अम्बरीश जन महान भक्त हेले पुनर्बार जीवन को आरंभ कले कहार उद्देश्य आम समस्ते से भगवत भक्त हवा आए से भक्त भितर दुख सृष्टि करे जे भक्त को बारंबार भक्त जी बैर हुए भगवान बैर कर दिखते आ भगवान कृपा करुणा करती ना आशीर्वाद करते ना तो यही ना आज कथावस्तु को ये विश्राम देवापर शेष भगवान दिव्य नाम संकीर्तन कर आम कथावस्तु को विश्राम एवं दुई मिनट भगवान दिव्य नाम संकीर्तन भज केशव भज भज माधव भज भज गोविंद भज भज रे राधा वल्लभ श्री ब्रज राज भज रे राधा वल्लभ श्री ब्रज राज भज केशव भज भज माधव भज भज गोविंद भज भज रे राधा वल्लभ श्री ब्रज राज भज रे राधा वल्लभ श्री ब्रज राज गोवर्धन गिरी धारी गोलक बिहारी हरि मुरारी कंसारी कृष्ण कृपामय दई तारी केशव माधव केशव माधव भज श्री रंगा पयर भज श्री रंगा पयर श्री हंस राज भज रे राधा वल्लभ श्री ब्रज राज भज रे राधा वल्लभ श्री ब्रज राज हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की जय प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।